Hello everyone, welcome to our channel anujindal.in. My name is Chetan and today I will be discussing the mistakes which you should avoid if you have started your preparation or if you are planning to start your preparation for SEBI grade exam. सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ जो कैंडिडेट्स करते हैं इज दैट दे वेट फॉर द नोटिफिकेशन. हम लोग अपनी तैयारी ही काफी लेट स्टार्ट करते हैं एंड आई हैव रिपीटेड दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन दैट बी एन अर्ली स्टार्टर. टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अपनी तैयारी आज ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए. डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन बिकॉज नोटिफिकेशन के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है दैट यू कवर द इंटायर सिलेबस. बट आई एम अज्यूमिंग ये गलती आप लोग नहीं कर रहे होंगे और आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी. इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन नाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड. ओके, जो काफी कॉमन मिस्टेक्स है और काफी मैं ऑब्जर्व करता हूँ बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग दिस पेपर. ओके, काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए आई कैन टेल यू दैट द मिस्टेक यू शुड अवॉइड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच अ प्रेस्टिजियस एग्जाम लाइक सेबी ग्रेड ए. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस्टेक और आई वुड से दिस इज अ बायस विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन कैंडिडेट्स इज कॉमर्स वर्सेस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. बिकॉज यू नो इफ आई टॉक अबाउट सेबी जनरल स्ट्रीम पेपर सो एनीबडी कैन राइट द पेपर. देर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट बट दे आर नॉट दे डू नॉट रिक्वायर अ कॉमर्स ग्रेजुएट. यू कैन दे रिक्वायर मास्टर्स. ओके, और इफ यू हैव अ बीटेक डिग्री सो वो एलिजिबिलिटी आप देख लेना. सो बेसिकली SEBI is not making any distinction between a commerce and a non-commerce candidate. For SEBI, both are equal. But we as candidates make a distinction in our mind that commerce students will have an edge over non-commerce students. हम खुद ही सोच लेते हैं कि commerce candidate को एक benefit मिलेगा. See, the syllabus जो है SEBI का, obviously, the subjects are from commerce stream. वो चीज है. But if I tell you the candidates who clear the exam, so ratio अगर आप देखोगे तो कॉमर्स नॉन कॉमर्स इट इज 50-50% बिकॉज अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स हैव क्लियर द एग्जाम. बहुत सारे इंजीनियर्स ने लास्ट टाइम और पहले भी सेबी का एग्जाम क्लियर किया है विच शोज देर इज नो एडिड एडवांटेज ऑफ बींग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड. तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो यू शुड नॉट फील कि आई हैव एन इनहेरेंट डिसएडवांटेज और द एग्जाम वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रैक बिकॉज दिस इज नॉट द रियलिटी. इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स, इफ यू लुक एट द फैक्ट्स, you will find that non-commerce background candidates have an equal chance of clearing the examination. Because मैंने भी interviews भी conduct किए थे of those candidates who you know cleared the exam and I found a lot of engineers from those interviews. So this myth needs to be you know eliminated from our minds. Then second common mistake which should be avoided by you as an aspirant, as a candidate is You should prepare a proper study plan. बहुत से candidates होते हैं जिनका एक proper study plan नहीं होता. Then what happens is they end up giving too much time maybe on to a single subject या फिर बाकी के subjects करने के लिए हमारे पास time नहीं बचता. So it's important to prepare a proper strategy, a proper timetable. Okay, you have to keep a date in your mind up till which you should complete the syllabus. तो वो एक timeline लेके चलना बहुत जरूरी है. एक proper plan, प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज दिस विल गिव यू अ डायरेक्शन, दिस विल गिव यू अ पाथ विच यू कैन फॉलो. अदरवाइज डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन करोगे इन बिट्स एंड पीसेस विदाउट एनी स्ट्रैटेजी दैट वुड नॉट वर्क. तो प्रॉपर स्टडी प्लान होगा इन विच यू कैन टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम और मे बी टू सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. बट एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियरिंग सच एग्जामिनेशन. ओके, the next common mistake which I have observed is that candidates study from too many sources, different sources. They refer to different books, they will refer to multiple YouTube channels. Okay, what happens is kahin bhi aapko comprehensive coverage nahi milta hai and also there is duplicacy of your efforts because aap ek hi cheez ko bar bar padhte ho because you are referring to multiple sources so you end up reading the same thing twice. Dekho, revision important hai so that is not the case but what happens is In this process of studying from multiple, you know, sources, you end up missing certain topics. Because ek agar structured way mein aapko ek, you know, if you follow one, let's suppose if you are following one particular source, usme kya hota hai? There is less wastage of time and efforts, aur aapki syllabus ki coverage bhi puri tarike se hoti hai. But agar hum multiple sources se cover kar rahe hote hain, so we end up ek hamara jo ek proper sequence nahi aata,
एंड वी एंड अप स्टडिंग इन अ हैपहजार्ड मैनर, ओके, थोड़ा क्योटिक हो जाता है वो. इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कैन रेफर टू यू नो मल्टीपल सोर्सेज, बट देर शुड नॉट बी टू मैनी इन नंबर. Okay, so for that, if you are preparing on your own, you can refer to my book list video in which I have mentioned the sources and the books which you can refer. So don't go for too many sources. You should stick to a few sources. That would help. Then next, unequal focus on subjects. Now, if I talk about paper 2, which has 6 subjects, that is Commerce and Accountancy, Costing, Companies Act, Economics, Finance and Management. So all the subjects have an equal weightage. और अगर आप एनालाइज भी करोगे पास्ट ईयर पेपर्स, चाहे 2020 का चाहे 2022 का, ओके, तो यू विल फाइंड दैट इक्वल वेटेज हैज बीन गिवन बाय सेबी टू ऑल द 6 सब्जेक्ट्स. बट वी एज कैंडिडेट टेंड टू थिंक, हम सिलेबस के हिसाब से हम खुद एक एनालिसिस बना लेते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट द केस. अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कंपनीज एक्ट का सिलेबस कम है, मे बी इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ टॉपिक्स. तो इफ यू माइट थिंक कि यहां से कम क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. Equal weightage has been given by SEBI to all the 6 subjects. So accordingly, you also have to, you know, you have to cover all the 6 subjects in detail. Now that is different ki aapka koi subject strong ho sakta hai, koi subject aapka weak ho sakta hai. So you may give more time to a weaker subject. Uski baat nahi kar raha hu. But weightage jo hai subjects ki in the exam, that is equal. And one more thing is people, you know, tend to take English descriptive paper very lightly. देखो इसके मार्क्स काउंट होते हैं, इट इज इन, इसके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे. दिस इज फेस टू पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, और इसकी इस पर्टिकुलर पेपर की वजह से भी काफी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता. तो 1/3 वेटेज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को दी गई है. तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स यू नो काफी पुअर है, तो आपको इस पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, ओके. एंड इवन इफ यू आर गुड एट राइटिंग एसेज, प्रेसी एंड आरसी, देन ऑल्सो यू शुड be in constant touch with English descriptive. इसको आप neglect नहीं कर सकते कि last में बिल्कुल cover कर लेंगे. थोड़ा थोड़ा आपको अभी से पढ़ते हुए चलना पड़ेगा to make, you know, good, to have good command over English descriptive, right? And finally, the most common mistake, और ये हर competitive exam की mistake होती है, is that we ignore revision, या फिर हम revision को बहुत lightly लेते हैं, okay? हम सोचते हैं syllabus cover कर लिया, our job is done. या फिर सिलेबस कवर कर लेते हैं और उसके बाद में भी रिवीजन स्टार्ट करते हैं. बट रिवीजन इज अ थिंग विच शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. डेली रूटीन मतलब वट एवर यू स्टडी इन अ पर्टिकुलर डे, यू शुड रिवाइज इट ऑन द सेम डे, ओके, और मे बी ऑन द नेक्स्ट डे, या फिर वीकली रिवीजन, ओके. सो रिवीजन जो होते हैं वो भी साइकिल्स में आप कर सकते हो. सम रिवीजन शुड बी डन डेली बेसिस, जो रोज पढ़ते हैं उसका रोज रिवीजन, वीकली बेसिस में जो वीक में पूरा पढ़ा है उसका रिवीजन. तो रिवीजन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज देर इज द सिलेबस इज सो डाइवर्स, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं. कंपनीज एक्ट की बात करोगे तो बहुत सारा फैक्चुअल पोर्शन है उसमें, तो फैक्चुअल चीजों को याद करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिंगल रीडिंग से रिटेंशन नहीं हो पाती है, ओके. तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को. एंड रिवीजन के लिए भी देर इज अ टेक्निक कॉल्ड एक्टिव रिवीजन. यू विल फाइंड अ वीडियो on active revision on our channel. तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखना. The right way to revise, because revision बहुत लोग करते भी हैं, but they do not revise in the proper way. तो revise करने के लिए भी there is a proper method how you should revise to, you know, maximize your retention about the facts, about the concepts, etc. So these are the common mistakes which you should avoid if you are preparing for SEBI Grade A 2023 examination. Now I would like, अगर और कोई mistake है जो आपको लगता है कि आप लोग, you know, candidates are doing, या आपको लगता है कि आप कर रहे हो, then do mention in the comment section below, okay? So that other candidates can also benefit. Apart from that, I would say, do not waste too much time, you know, on reading about salary or reading about, you know, other stuff, other benefits. बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट मेजर फोकस राइट नाउ शुड बी ऑन कवरिंग द सिलेबस, ओके, एंड रिवीजन. बिकॉज अगर बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा इन चीजों की वीडियोस पे आप टाइम वेस्ट करोगे, दैट वुड नॉट हेल्प. बिकॉज जो स्टडी प्लान बनाना है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है, वो आपकी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. दूसरे की स्ट्रैटेजी कभी भी कॉपी नहीं करनी है आपको, दैट वोंट वर्क. एवरीबॉडी इज यूनिक, सब लोग अलग होते हैं, तो आप किसी की स्ट्रेटेजी को कॉपी नहीं कर सकते. ऑब्वियसली यू कैन लर्न, यू कैन टेक सम पॉइंट्स
from those candidates who have cleared the exam. So वहां से आप एक idea ले सकते हो, you know, you can get some insights. But as it is, किसी की भी strategy या study plan आपको copy नहीं करना चाहिए. It should be prepared based on your own strength and weakness, based on your own time availability. Okay? So please do not make these mistakes if you have planned or if you have started preparing for SEBI Grade A. So that's it from my side in this video. We can have discussion on this in the comment section. Aap log comment kar dena. I'll be more than happy to answer your doubts and queries. Okay, chaliye. All the very best, guys. Goodbye, take care, and have a nice day.